बेटा अभी 3 लेक्चर हम मैग्नेटिज्म के पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बार मैग्नेट के बारे में बात की थी। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने बात की थी बेटा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था और जो पोल स्ट्रेंथ थी उसके बेसिक्स के बारे में हमने बात की थी। और जो बेटा थर्ड लेक्चर था उसमें अर्थ मैग्नेटिज्म के बेसिक्स में हमने डील किया था। अभी जो मैग्नेटिज्म सीरीज का फोर्थ लेक्चर है वो बेटा फोर्थ लेक्चर हम ले लेते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। हम पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। और बेटा ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में कौन कौन से मटेरियल होते हैं बेटा? एक होता है पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और एक होता है बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सबसे पहले देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। और ये क्लासिफाई अगर हम इन मटेरियल को करें देन वी कैन क्लासिफाई दीज मटेरियल इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, सेकेंड इज डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड द थर्ड इज फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। फर्स्ट इज पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, सेकेंड इज डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड थर्ड इज फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इन 3 मटेरियल्स में हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में। बेटा पैरा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक को हम यहीं पे इनका छोटा छोटा बेसिक जो है वो डील कर लेते हैं। आप ध्यान से प्रॉपर्टी सुनिएगा, कंपैरिजन वाइज मैं प्रॉपर्टी यहाँ पर ले रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में पूछिए। बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ये वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विदाउट पेयरिंग जिसमें हो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं बेटा जिसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें आयरन, निकिल, कोबाल्ट और स्टील, ये जो सब्सटेंस हैं दे बिहेव एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये पहली और बेसिक प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है अगर उस मटेरियल को आप देखेंगे तो इनका जो एटम है बेटा उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इस तरीके से रेंडम होता है। अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉर्मली ऑब्जर्व करें तो ये जो एटम है बेटा इनको एटॉमिक डाइपोल भी आप बोल सकते हैं। इनका जो मोमेंट होता है वो रेंडम होता है। अब इनका मोमेंट रेंडम होने से क्या होता है बेटा, इनका जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो वेरी स्मॉल होता है। मतलब स्टार्टिंग में इनमें नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता, इसमें थोड़ा सा नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है लेकिन वो बहुत छोटा होता है। और इनका जो मोशन होता है वो रेंडम होता है। हमने एटम को डायपोल की तरह ट्रीट क्यों किया? व्हाई वी आर ट्रीटिंग एटम एज अ डायपोल? और उसकी स्पिन को कैसे शो किया? बेटा आप जानते हैं एटम के अंदर यहां पर एक न्यूक्लियस है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। आप जानते हैं बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस मिलकर के ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन मैग्नेटिज्म। तो उस वजह से मैंने एटम को डाइपोल बोला और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट हुआ जिसको एरो से हमने शो किया।
बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, यहां पर आप यहां पर फिर ध्यान से समझिएगा, इसमें एटम के कॉन्फ़िगरेशन से हमने इसको एक्सप्लेन किया। यहां पर जो डायपोल्स होते हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं और इनका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है स्टार्टिंग में वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, और यहां पर जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होता। यहां पर जो हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं बेटा, वो ऑर्बिटल मोशन कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन का। वी आर डीलिंग विद ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है बेटा, आप जानते हैं एक ऑर्बिटल में, सपोज ये ऑर्बिटल है ठीक है, तो ऑर्बिटल के अंदर बेटा एक इलेक्ट्रॉन तो घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सेम ऑर्बिटल में क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था बेटा, तो सेम ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन घूमता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर ये एक ऑर्बिटल था तो एक क्लॉकवाइज हुआ एक एंटी क्लॉकवाइज हुआ बेटा। तो अगर इन दोनों का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आप निकालेंगे तो वो जीरो आएगा, क्योंकि दोनों का जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो दे विल कैंसिल ईच अदर एंड यू विल गेट नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू जीरो। और बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम जो थ्योरी कंसिडर करते हैं जिसके बेसिस पर हम इसका स्ट्रक्चर लेते हैं, दैट इज डोमेन थ्योरी। कैसी थ्योरी होती है बेटा, डोमेन थ्योरी होती है। अब ये डोमेन थ्योरी कैसे होती है बेटा, यहां पर हम पूरे मटेरियल को, पूरे क्रिस्टल को कुछ डिफरेंट स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको डोमेन कहते हैं। अब ये डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन एटम्स का इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, दैट रीजन ऑफ एटम विच कंटेन सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। सिमिलर टाइप ऑफ एटम से मेरा मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर जो पार्ट होता है, जो डोमेन होता है, उसमें इस टाइप के एटम कंबाइन होते हैं जिसमें एटम की सारी प्रॉपर्टी, सब प्रॉपर्टी सेम होती हैं, इंक्लूडिंग स्पिन एंड एवरीथिंग। तो डोमेन वो रीजन होते हैं जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ जो एटम है वो कंबाइन होते हैं। अब बेटा यहां पर सपोज वी हैव फोर डोमेन्स, 1 2 3 4, वी हैव फोर डोमेन। तो जो वन डोमेन है अगर इसका स्पिन ऐसा है बेटा, और अगर सेकेंड डोमेन है इसका स्पिन ऐसा है, थर्ड डोमेन है इसका स्पिन ऐसा है, और फोर्थ डोमेन है इसका स्पिन ऐसा है, तो इसका जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो भी कितना होगा बेटा, जीरो होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पैरामैग्नेटिज्म किस में पाया जाता है, तो आप बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले मटेरियल में पाया जाता है। इसका इनिशियल नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेरी स्मॉल होता है लेकिन जीरो नहीं होता, और इसमें हम डायपोल थ्योरी या एटॉमिक डायपोल थ्योरी कंसिडर करते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में बहुत मैक्सिमम मात्रा में डायमैग्नेटिज्म पाया जाता है, और ये ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंसिडरेशन से हम इसको डिफाइन करते हैं। और इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन इक्वल एंड अपोजिट होता है एक ऑर्बिटल में, तो इनका जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। और जो फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो आयरन निकल कोबाल्ट स्टील होते हैं, और इनको डोमेन थ्योरी के बेसिस पर हम एक्सप्लेन करते हैं। डोमेन क्या होता है बेटा, ऐसे रीजन होते हैं जिसमें सेम टाइप के एटम कंबाइन होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है इंक्लूडिंग स्पिन। जैसे यहाँ पर चार डोमेन हम देख रहे हैं और इनकी स्पिन जो है आपस में नेट मिलकर के कितना हो गया है, जीरो हो गया है। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये आपको समझ में आनी चाहिए। एक बात और समझ में आनी चाहिए बेटा, ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, डायमैग्नेटिज्म का मतलब होता है बेटा एक्सटर्नल फील्ड का अपोज करना। एक पर्टिकुलर टाइम पर ये पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक भी एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करना चालू कर देते हैं। तो नॉर्मली डायमैग्नेटिज्म एक नेचर है जो सभी मटेरियल में पाई जाती है, लेकिन फिर हम इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ही पार्टिकल्स को, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ही मटेरियल को क्यों इसके अंदर रखते हैं? ये इसलिए रखते हैं क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले मटेरियल में डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी ज्यादा मैक्सिमम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए डायमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पड़ते हैं। वैसे दुनिया का हर मटेरियल, हर मैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करता है। दूसरी एक बात और समझिएगा, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है दे आर ऑल्सो नोन एज सुपर कंडक्टर्स। बेटा ये सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसका एक बार क्वेश्चन भी आया था, बोर्ड 2019 जो लास्ट पेपर था उसमें सुपर कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। तो
तो बेटा डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर भी बोले जाते हैं। 2019 में जो क्वेश्चन था सुपर कंडक्टिविटी का वो था बेटा इसके ऊपर, डायमैग्नेटिज्म के ऊपर। तो आप ध्यान रखेंगे डायमैग्नेटिज्म दुनिया के हर मटेरियल में प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक भी एक लिमिट के बाद डायमैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करना चालू कर देते हैं। लेकिन जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले मटेरियल होते हैं उसमें डायमैग्नेटिज्म ज्यादा पाया जाता है, और डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर भी होते हैं, और सुपर कंडक्टर का ही दूसरा नाम डायमैग्नेटिज्म होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक, अब ये जो हमने इनको क्लासिफाई कर लिया, डायपोल मोमेंट बीम का स्टडी कर लिया, अब इनके अंदर मैग्नेटिज्म कैसे पैदा होता है वो आप ध्यान से यहां पर समझिएगा। ठीक है, देखिए बेटा स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म वी आर डीलिंग विद, यहां पर हम बात कर रहे हैं अभी प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब इनके अंदर मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप होता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसमें क्या होता है, ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है इसमें सबसे पहले जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल का सैंपल लेते हैं तो उसमें डायपोल मोमेंट का जो मोशन होता है वो रेंडम होता है। ठीक है, अब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और कितना इंक्रीज करते हैं, जिससे ये मटेरियल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। क्यों हम लिक्विड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि लिक्विड लिक्विड के अंदर जो मोशन होता है एटम्स का उसको कराना बहुत आसान हो जाता है कंपैरेटिवली सॉलिड स्टेट में। तो हम लिक्विड में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद इन एटम को रोटेट कराना आसान हो जाएगा। अभी जब जैसे ही ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है हम इस पर एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ये हमने इस पर एक एक्सटर्नल फील्ड बाहर से अप्लाई कर दिया। आप जानते हैं, आपको मैग्नेटिज्म के लास्ट लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं, जब भी एक्सटर्नल फील्ड किसी डाइपोल पर लगाते हैं, किसी डाइपोल पर एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में उस पर एक टॉर्क काम करना शुरू कर देगा, एंड दैट टॉर्क इज एम बी साइन थीटा। ये जो बी है ये एक्सटर्नल फील्ड है जो आपने अप्लाई किया, ये जो एम है वो डाइपोल मोमेंट है जो आपने एटॉमिक डाइपोल का भी कंसिडर किया, और साइन थीटा जब तक ये किसी एंगल पर रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड से तब तक इस पर टॉर्क काम करता रहेगा। फाइनली दीज डाइपोल्स विल अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ये डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में घूम जाते हैं। उससे क्या होता है खुद देखिए, जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में घूम जाएंगे थीटा जीरो हो जाएगा, क्योंकि एम और बीम सेम डायरेक्शन में हो गए, तो थीटा जीरो देन टॉर्क बिकम जीरो। तो अभी ये इक्विलिब्रियम में आ गए हैं बेटा। और एक बात और समझिएगा, जैसे ही थीटा जीरो होता है आप बोल सकते हैं क्यों 180 पर भी तो टॉर्क जीरो हो सकता है, तो बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। अभी थीटा जीरो है तो थीटा जीरो का मतलब है यू इक्वल्स टू माइनस एम बी, यानी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई है बेटा, इनकी मिनिमम हो गई है। तो अब ये जो एटॉमिक डाइपोल है जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में घूमे, एक तो टॉर्क जीरो होने से इक्विलिब्रियम में आ गए, एक इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो हर जो जो नेचर में कोई भी जो एटम है या कोई भी जो एंटिटी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहती है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की वजह से ये खुद को थीटा इक्वल जीरो पर अलाइन करते हैं, जिससे इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो जैसे ही ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएंगे तो अब ये इस जगह पर ही ये स्टेबल रहने वाले हैं, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में इस टाइम पर है। तो अभी क्या होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और सब एक डायरेक्शन में घूम गए, तो उसमें नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डेवलप हो जाएगा और इसकी जो अमाउंट होगा अभी वो थोड़ा ज्यादा होगा कंपैरेटिवली जो पहले ये जब रैंडम स्टेट में थे तब नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था। अगर आप ये ध्यान से देखें तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो डायपोल मोमेंट है जो डेवलप हुआ है अंदर, उन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ये जो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस है दे विल गेट मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अभी बोला ना थीटा जीरो, तो जो मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ और जो एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे थे आप, उन दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई है बेटा,
सेम हो गई है। सेम क्यों हो गई है? ताकि पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो आपने कहीं पर स्टेटमेंट पढ़ा होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्मॉल मैग्नेटाइज, फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इन द डायरेक्शन का मतलब थीटा जीरो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, और फीबली मतलब इनके अंदर स्मॉल मैग्नेटिज्म जो है वो डेवलप होता है। स्मॉल मैग्नेटिज्म डेवलप क्यों होता है? क्योंकि बेटा जैसे ही आप इस एक्सटर्नल फील्ड को हटा देंगे तो एक्सटर्नल फील्ड हट गया तो बेटा टॉर्क जो है जीरो नहीं रहा, और थीटा जीरो नहीं रहा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम नहीं रहे, तो ये वापस से घूम के अपनी उसी रेंडम पोजिशन में आ जाएंगे। तो एक्सटर्नल फील्ड हटाते ही क्योंकि टॉर्क गायब हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं रहती और ये स्टेबल कंडीशन में नहीं रहते, तो ये वापस अपनी कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये इनका बिहेवियर होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, एंड दे विल गेट मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। ये पैरामैग्नेटिज्म का फुल एक्सप्लेनेशन है, इनके अंदर मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप होता है। एक बात और समझिएगा, अभी इनको आप सॉलिड स्टेट में ले आए हो, सॉलिड स्टेट में लाने के बाद ये फिक्स हो गए अपने स्टेट पर और इनके अंदर मैग्नेटिज्म बना हुआ है। अगर इनका टेम्परेचर हम डिक्रीज कर दें, तो बेटा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने पर इनका मोशन अभी ऑर्गेनाइज मैनर में सेट हो गया है और मैग्नेटिज्म इनके अंदर डेवलप हो गया है। जैसे ही आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इनके अंदर एनर्जी रहेगी, तो एक्सटर्नल फील्ड का अपोज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वाली स्टेट से ये अपने आप को डिस्प्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये जिस डायरेक्शन में भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में घूम गए हैं ये उसी स्टेट में खुद को मेंटेन रखेंगे, ये वापस रेंडम कंडीशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करने पर इनकी एनर्जी मिनिमम होगी और ये वापस से इनके पास कोई एनर्जी नहीं होगी जिसकी वजह से ये अपने आप को दोबारा से रेंडम मोशन में ले आए। तो इसका मतलब जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे इनका ये वाला पैटर्न फिक्स हो जाएगा एंड दे विल शो गुड मैग्नेटाइजेशन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है व्हाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल शोज गुड मैग्नेटाइजेशन एट अ स्मॉल टेम्परेचर। तो आप बताएंगे जब हम टेम्परेचर स्मॉल रखेंगे तो इनका जो अभी जो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में जिसमें ये आ गए हैं उसमें ही ये फिक्स हो जाएंगे, ये वापस से रेंडम स्टेट में नहीं जाएंगे, तो अपने आप को ये मैग्नेटिज्म में बनाए रखेंगे एंड दे विल शो गुड मैग्नेटाइजेशन। ठीक है बेटा, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म है। ठीक है, एक बार फिर देखिए, पहले रेंडम मोशन था, टेम्परेचर इंक्रीज किया, लिक्विफाई किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो ये जितने भी डायपोल्स थे जो अभी एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में खुद को घुमा लेते हैं ताकि थीटा जीरो हो जाए और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है इन द सेम डायरेक्शन एज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है जो स्मॉल टेम्परेचर पर एक अच्छा मैग्नेटाइजेशन शो करता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से फिक्स रह जाता है, ये वापस से रेंडम मोशन में नहीं आते। ये मैग्नेटाइजेशन स्मॉल है, जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड हटाएंगे दोबारा से रेंडम मोशन में आ जाएगा, इसलिए मैग्नेटाइजेशन स्मॉल है और इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये पैरामैग्नेटिक का प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म है। ठीक है, अभी डायमैग्नेटिज्म आप ध्यान से सुनिएगा बेटा। डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैं दो इलेक्ट्रॉन सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूं। ये दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, एक का मोशन तो क्लॉकवाइज हो रहा है और एक का मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, इलेक्ट्रॉन का मोशन जिधर होता है करंट उसके अपोजिट होती है, तो यहां पर जो इस इलेक्ट्रॉन से जो करंट डेवलप हो रही होगी वो करंट की डायरेक्शन बेटा ऐसे होगी अपोजिट टू द मोशन, मोशन इधर है तो करंट इधर हुई। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है तो उसकी करंट बेटा इस डायरेक्शन में हुई, ये करंट है इलेक्ट्रॉन की। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? NIA। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में बेसिकली EBR अपॉन 2B होता है जो मैग्नेटिज्म में हमने आपको डिराइव कराया, लेकिन इस फॉर्मूले से यहां पर काम चल जाएगा। बेटा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसको करंट की डायरेक्शन से हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम फिंगर्स को, जो राइट हैंड है उसकी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं तो जो थंब होता है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन को शो करता है। आप इधर देखेंगे तो ये इनवर्ड्स आएगा,
इनवर्ड्स का मतलब है मैं इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डाउनवर्ड बना लेता हूं, मैं इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डाउनवर्ड बना लेता हूं। ये जो क्लॉकवाइज करंट बह रही थी इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैंने डाउनवर्ड बनाया। दोबारा देखिए, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि ये इनवर्ड्स आ रहा है मैंने इसको डाउनवर्ड बनाया। सिमिलर यहां पर हमने फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में प्लेस किया तो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल मोमेंट, और ये हमारा आउटवर्ड आ रहा है तो इसलिए मैंने इसको अपवर्ड बनाया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अभी मैंने इसके अंदर, इन दोनों के अंदर मैंने यहां पर इन दोनों के अंदर मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया इस डायरेक्शन में। सपोज ये एक्सटर्नल फील्ड है और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन पर सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया, ठीक, मतलब ये पूरे एटम पर हमने अप्लाई किया था तो इस इलेक्ट्रॉन पर भी इस डायरेक्शन में और इस इलेक्ट्रॉन पर भी इस डायरेक्शन में। एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन सेम इसलिए है क्योंकि ये एक्सटर्नल सोर्स ने लगाया है, इस इलेक्ट्रॉन से कोई रिलेशन नहीं है। बेटा जिस इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट और एक्सटर्नल फील्ड सेम डायरेक्शन के अंदर है, ध्यान से समझिएगा, जिस इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट और एक्सटर्नल फील्ड सेम डायरेक्शन में है उस इलेक्ट्रॉन पर एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा सेंटर से बाहर को, और इस फोर्स का नाम होगा बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम होगा बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोबारा समझिएगा, जिस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एक्सटर्नल फील्ड सेम डायरेक्शन में है उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जिस इलेक्ट्रॉन का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है उस पर टूवर्ड सेंटर एक फोर्स लगेगा, टूवर्ड सेंटर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम होता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका नाम होता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। और आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये अपोज करता है बेटा रोटेशन का, इट अपोज द ऑर्बिटल मोशन, ये ऑर्बिटल मोशन का अपोज करता है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये सपोर्ट करता है बेटा, इट सपोर्ट्स ऑर्बिटल मोशन, ये ऑर्बिटल मोशन को सपोर्ट करता है। तो क्योंकि ये ऑर्बिटल मोशन को अपोज करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये लेस वेलोसिटी से घूमना चालू हो जाएगा, और क्योंकि ये सपोर्ट करता है तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो दोनों की वेलोसिटी सेम थी, दोनों का डायपोल मोमेंट सेम था, नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो गया था, तो कोई नेट एक्सटर्नल, कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर मौजूद नहीं था। लेकिन यहां पर क्योंकि वेलोसिटी में डिफरेंस हो गया है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो डायपोल मोमेंट होता है वो ईवीआर अपॉन टू होता है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी के डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी वैसे डायपोल मोमेंट भी चेंज होगा। पहले इन दोनों का डायपोल मोमेंट, इसका अगर प्लस एम था तो इसका माइनस एम था, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो था क्योंकि स्पीड सेम थी। लेकिन यहां पर अगर इसका डायपोल मोमेंट एम वन है तो एम वन की वैल्यू कम हो गई है, और अगर इसका डायपोल मोमेंट एम टू है तो एम टू की वैल्यू बढ़ गई है। तो जो नेट डायपोल मोमेंट अभी आपको मिलने वाला है, नेट डायपोल मोमेंट वो मिलेगा बेटा क्योंकि वहां पर एम टू बढ़ गया है, तो इट इज एम टू माइनस एम वन, दिस इज द नेट डायपोल मोमेंट। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एम टू था, ये एम वन था, अभी इन दोनों की वैल्यू पहले सेम थी मैग्नेटिक फील्ड लगाने से पहले, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही क्योंकि वेलोसिटी में डिफरेंस हो गया तो इन दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस हो गया, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो मिल रहा है आपको वो एम टू बड़ा मिल रहा है और एम वन छोटा मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें ये जो एम टू है जिसकी वजह से हमको रिजल्टेंट मिल रहा है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। डायमैग्नेटिज्म developed magnetism inside them, diamagnetic substance developed magnetism inside them in the opposite direction of external magnetic field, in the opposite direction of external magnetic field, this is the property of diamagnetic material। इनमें भी जो magnetic field होता है वो short होता है, small होता है, जैसे ही आप external field हटा देंगे इनकी velocity में जो भी difference हो रहा था वो हट जाएगा और फिर दोबारा से dipole moment same हो जाएंगे और फिर नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा
और जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ था वो भी जीरो हो जाएगा। तो ये डायमैग्नेटिज्म में प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म है। एक बार फिर इसको रिवाइज कीजिए, कैसे डेवलप हुआ था। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक क्लॉकवाइज घूम रहा था, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो दोनों की करंट अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो अपोजिट डायरेक्शन की करंट का डायपोल मोमेंट हमने ड्रॉ किया, इसका ऊपर आया, इसका नीचे आया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ऊपर की डायरेक्शन में हमने लगाया, जिधर डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में था उधर सेंट्रीफ्यूगल लगा, वेलोसिटी घट गई जिससे उसका डायपोल मोमेंट घट गया। जिधर एक्सटर्नल फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में था उसकी वेलोसिटी बढ़ गई क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, सपोर्ट हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई। और क्योंकि डायपोल मोमेंट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, इसका डायपोल मोमेंट कम है, तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से बच गया जिसमें एक्सटर्नल फील्ड और डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में था, तो नेट उसकी वजह से मिला। तो इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप मैग्नेटिक फील्ड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डेवलप होता है और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, जो अमाउंट होता है वो स्मॉल होता है। यानी अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड हटा दूं तो दोबारा से मोशन जो है उसमें जो डिफरेंस हो रहा था वो दोबारा से खत्म हो जाएगा, दोबारा इनका डायपोल मोमेंट सेम हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा और जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ था वो खत्म हो जाएगा। ये डायमैग्नेटिज्म की थ्योरी है, प्रोडक्शन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत आसान होता है। ठीक है, लेकिन डोमेन के बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेटा स्टार्टिंग में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हम चार डोमेन्स ले लेते हैं। चार डोमेन का स्पिन इस तरह से होता है कि नेट स्पिन जो होता है बेटा कितना होता है, जीरो होता है। तो इसके अंदर स्टार्टिंग में कोई भी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं होता। अभी क्या करते हैं, हम इस पर एक एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो जिस डोमेन की डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, जैसे हमने इधर एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो जिस डोमेन की डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, जैसे ये जो डोमेन नंबर वन है इसके डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, तो देखिए इसका जो साइज है डोमेन वन का वो साइज इंक्रीज हो गया। बेटा इस प्रोसेस का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज। इसके बाद बेटा जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड को आप अप्लाई किए रखते हैं, आप एक्सटर्नल फील्ड नहीं हटा रहे हैं, वो एक्सटर्नल फील्ड आपने अप्लाई किए हुए है, तो थोड़ी देर में स्टेप टू के अंदर ये जितने डोमेन्स हैं, ये जितने भी डोमेन्स हैं वो सब सेम डायरेक्शन में खुद को रोटेट कर लेते हैं, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में खुद को रोटेट कर लेते हैं। क्यों करते हैं एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, इसका मैं जवाब आपको दे चुका हूं। थीटा इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एमवी हो जाएगी जो मिनिमम होगी। ये सारे डोमेन जो है, ये सारे डोमेन के अंदर जो एटम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहते हैं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के लिए थीटा जीरो मेंटेन करना चाहेंगे, और जिससे ये जो डोमेन है खुद को इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर देते हैं जिससे स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। क्योंकि ये सब सेम डायरेक्शन में घूम गए हैं तो इसके अंदर एक नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में होता है इस मटेरियल में, और बाकी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि अगर मैं यहां से एक्सटर्नल फील्ड हटा भी दूंगा तो भी ये वापस अपनी सिचुएशन में जाने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है वो परमानेंट मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। इसमें फुल स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है, एक्सटर्नल फील्ड हटाने के बावजूद भी इसके अंदर मैग्नेटिज्म बचा रहेगा, ये वापस से अपनी इस स्टेट में जाने वाला नहीं है। दैट्स व्हाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव एज अ परमानेंट मैग्नेट। ये कैसे बिहेव करते हैं बेटा, ये परमानेंट मैग्नेट की तरह से बिहेव करते हैं। ये डिफरेंसेस है बेटा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के प्रोडक्शन में। मुझे लगता है आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज में हम डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखने से पहले
इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखने से पहले हमको तीन टर्म्स हमको पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की बेसिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखने से पहले मुझे तीन टर्म पता होनी चाहिए। उन तीन टर्म पे बेसिस प्रॉपर्टी को हम बाद में स्टडी कर लेंगे, पहले बेसिक प्रॉपर्टी को एक बार फिर देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये डोमेन बेसिस पर इसके अंदर फेरस की जिसमें प्रॉपर्टी होती है आयरन, निकेल, कोबाल्ट, स्टील, उसमें ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी पाई जाती है। यहां पर हम डायपोल, एटॉमिक डायपोल से मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन से एक्सप्लेन करते हैं, यहां पर डोमेन से एक्सप्लेन करते हैं। इसमें मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्मॉल होता है। इसमें मैग्नेटिज्म इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्मॉल होता है। इसमें मैग्नेटिज्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है। यहां पर एक्सटर्नल फील्ड हटा देंगे तो ये वापस से अपनी स्टेट में आ जाएगा और मैग्नेटिज्म गायब हो जाएगा। इसमें एक्सटर्नल फील्ड हटा देंगे, वापस से अपनी स्टेट में आ जाएगा, मैग्नेटिज्म गायब हो जाएगा। इसमें एक्सटर्नल फील्ड हटाएंगे तो वापस अपनी स्टेट में नहीं आएगा। अगर एक्सटर्नल फील्ड के अंदर इसको रख दे, सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है और यहां पर कोई लिक्विड है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, तो जिधर जिधर जिस साइड बेटा मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, ये इस तरीके से होता है क्योंकि पोल्स के पास मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है, तो पोल्स के पास इसका लेवल बढ़ जाता है। इट अट्रैक्टेड टूवर्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जिधर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उस तरफ ये अट्रैक्ट होगा। जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ और ये साउथ है और पैरा मैग्नेटिक मटेरियल की कोई मैग्नेट रखा तो ये अट्रैक्ट हो जाएगी और ये पैरेलल हो जाएगी एक्सटर्नल फील्ड के, पैरेलल टू एक्सटर्नल फील्ड, अट्रैक्ट होकर के पैरेलल हो जाएगी एक्सटर्नल फील्ड के। ये कौन पोल है साउथ और ये कौन पोल है नॉर्थ, ये क्या मटेरियल हुआ बेटा, पैरा मैग्नेटिक हुआ। इट अट्रैक्टेड टूवर्ड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एक यू ट्यूब है, इसके अंदर पैरा मैग्नेटिक मटेरियल भरा हुआ है, मैं अगर नॉर्थ और साउथ पोल यहां पर लगा दूं तो जिधर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उधर लेवल चढ़ जाएगा और जिधर वीक मैग्नेटिक फील्ड है उधर लेवल गिर जाएगा। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी होती है, दे फील अट्रैक्शन टुवर्ड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जिधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है ये उस तरफ अट्रैक्शन फील करता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल में सपोज ये नॉर्थ है ये साउथ है, क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल पर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो जिधर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वहां से घट जाएगा और जिधर स्ट्रेंथ कम होती है वहां से बढ़ जाएगा। तो नॉर्थ साउथ के पास तो देखिए लेवल डाउन हो गया है और जो बीच में जहां पर स्ट्रेंथ कम है वहां पर लेवल बढ़ गया है। और ऐसे ही अगर सपोज कीजिए ये नॉर्थ है ये साउथ है और डायमैग्नेटिक की रॉड को बीच में रखूं तो ये क्योंकि अट्रैक्ट नहीं होती तो ये परपेंडिकुलर हो जाती है एक्सटर्नल फील्ड के, है ना। इट रिपेल एक्सटर्नल फील्ड में ये क्या होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होती है, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये किधर अट्रैक्ट होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये किधर अट्रैक्ट होता है बेटा, वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। और देखिएगा मान लीजिए यू ट्यूब है, इसमें अगर मैं नॉर्थ और साउथ पोल लगा दूं तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है उधर लेवल गिर जाएगा और जिधर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है उधर लेवल बढ़ जाएगा। तो अब आपको बिहेवियर दिखाई दे रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है, ये टूवर्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट होता है। और फेरोमैग्नेटिक में जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सेम एज पैरामैग्नेटिक होती है, फेरोमैग्नेटिक में जितनी भी प्रॉपर्टी पाई जाती है वो सेम एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल होती है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। बस डिफरेंस ये कि फेरोमैग्नेटिक में जो प्रॉपर्टी मिलती है उनकी जो अमाउंट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक को अगर मैक्सिमम लिमिट पे आप मैग्नेटाइज कर दो देन इट बिकम फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। ये इन दोनों में रिलेशन है। इसके बाद सपोज कीजिए पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, इसको आप एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं और इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कराते हैं, तो अगर किसी सैंपल से कम लाइन पास हो इस तरीके से,
जिसका म्यू रिलेटिव जो होता है वो क्या होता है बेटा, म्यू मीडियम अपॉन म्यू एयर। तो इस मटेरियल का जो म्यू रिलेटिव होता है इट इज स्मॉल, ठीक है, एंड पॉजिटिव। इसका जो म्यू रिलेटिव होता है वो क्या होता है बेटा, स्मॉल एंड पॉजिटिव। म्यू रिलेटिव इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। और जो डायमैग्नेटिज्म का सैंपल होता है बेटा, इसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं होती, तो उसका जो म्यू रिलेटिव होता है वो कैसा होता है बेटा, नेगेटिव एंड स्मॉल। और बेटा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर से बहुत सारी लाइन स्ट्रॉन्गली पास होती है, और इसका म्यू रिलेटिव इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वन, ठीक है, वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव। और ये जो म्यू है इट इज कॉल्ड परमियाबिलिटी। क्या होती है बेटा परमियाबिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल बाय विच मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन पास थ्रू, इट इज नोन एज परमियाबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। म्यू मीडियम मतलब इस पर्टिकुलर मीडियम की जो परमियाबिलिटी है वो म्यू मीडियम है। इसको एयर से कंपेयर किया तो उसको बोला रिलेटिव परमियाबिलिटी। तो जो रिलेटिव परमियाबिलिटी है वो म्यू नॉट से थोड़ा ज्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, स्मॉल एंड पॉजिटिव। और इसका जो परमियाबिलिटी होता है नेगेटिव स्मॉल होता है, उसका जो रिलेटिव परमियाबिलिटी होता है वो ग्रेटर देन वन होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करने की एबिलिटी है वो क्या बोली जाती है, परमियाबिलिटी बोली जाती है। बेटा कभी कभी ये डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करके आता है और आपसे पूछता है आइडेंटिफाई द मटेरियल। तो अगर ए है जिसमें कम लाइन पास हो रही है तो आप बोलेंगे पैरामैग्नेटिक है, अगर बिल्कुल भी लाइन पास नहीं हो रही है तो डायमैग्नेटिक है, और बहुत सारी लाइन पास हो रही है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद बेटा ये तो लाइंस के बारे में हमने बात की, अभी तीन टर्म्स आपको, बल्कि आपको चार टर्म्स जो है वो स्टडी करनी है, फोर टर्म्स आगे हम तब पढ़ पाएंगे जब हमको चार टर्म्स क्लियर होंगे। वो चार टर्म्स क्या है आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। सपोज ये एक एनवायरमेंट है और इस एनवायरमेंट को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, दिस एनवायरमेंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय बी। इस मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन भी इसको कह देते हैं, इट कैन बी नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। और इसका एक नाम हो सकता है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसकी यूनिट होती है बेटा टेस्ला, डिनोटेड बाय टी। ये जो एनवायरमेंट है ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, डिनोटेड बाय बी एंड द यूनिट इज टेस्ला। अभी मुझे किसी मटेरियल ए को मैग्नेट बनाना है तो मैंने ए को उठा के इस एनवायरमेंट में रख दिया, ए को मुझे मैग्नेट में कन्वर्ट करना है तो मैंने ए को उठा करके इस एनवायरमेंट में पुट कर दिया। अभी ये एनवायरमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगा रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इस पर एक फोर्स लगाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस मटेरियल ए पर एक फोर्स अप्लाई करना चालू करेगा इसको मैग्नेटिज्म देने के लिए, इसको मैग्नेट बनाने के लिए। तो ये जो फोर्स ये एग्जर्ट कर रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है ना, इसका नाम होता है बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसका नाम होता है बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय एच। किससे डिनोट करते हैं बेटा, एच से डिनोट करते हैं। अभी आप ध्यान से समझिएगा, जो एनवायरमेंट था उसका नाम क्या था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, और उस एनवायरमेंट का जितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हुआ उसका नाम था बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय एच। अगर आप ध्यान से समझें तो मैग्नेटिक फील्ड का पूरा अमाउंट तो ए तक पास नहीं होगा, उतना अमाउंट पास होगा जितना इस मीडियम के थ्रू ट्रेवल करेगा। तो अगर ये मीडियम एयर है तो जो एच उसको मिला, मतलब एच जो उस पर वर्क किया वो मैग्नेटिक फील्ड का 1/μ0 टाइम्स होगा। 1/μ0 क्यों हुआ बेटा, क्योंकि इस एयर ने भी तो कुछ लॉस किया होगा ना, कितना लॉस हुआ, बी तो हमने टोटल लगाया था तो उस मटेरियल तक कितना पहुंचा, वो पहुंचा 1/μ0 टाइम्स ऑफ बी। अगर ये एयर ना होता एनवायरमेंट में, कोई और मीडियम होता तो ये हो जाता बी अपॉन म्यू एम। क्या हो जाता बेटा, बी अपॉन म्यू एम।
तो बेसिकली बी एक एनवायरनमेंट था, वो बी पूरा का पूरा तो ए पर काम नहीं कर रहा है, तो ए पर जितना उसका जितना अमाउंट काम, बी तो पूरा का पूरा काम नहीं कर रहा है, तो ए पर उसका जितना अमाउंट काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज गिवन बाय बी अपॉन मी नॉट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? बी अपॉन मी नॉट। और अगर इसकी यूनिट की हम बात करें तो हम जानते हैं बेटा बी की यूनिट होती है टेस्ला और मी नॉट की यूनिट होती है बेटा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला से टेस्ला कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट ऑफ एच इज एम्पियर पर मीटर। क्या यूनिट होती है बेटा एच की? एच की यूनिट होती है बेटा एम्पियर पर मीटर। क्या यूनिट होती है बेटा? एम्पियर पर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ एच। और एच का नाम क्या होता है बेटा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका नाम होता है बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड एच इज गिवन बाय बी अपॉन मी नॉट। मी नॉट से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि बी पूरा काम नहीं कर रहा है, बी का कुछ अमाउंट कम हो करके उस पर जा रहा है। कहाँ क्यों कम हो गया वो? क्योंकि मीडियम पूरा का पूरा पास नहीं करेगा उसको। अगर ये एयर ना होता, मीडियम होता, तो बी का कितना अमाउंट यहाँ जा रहा है? बी अपॉन म्यू एम। कितना जा रहा है बेटा? बी अपॉन म्यू एम। और एच यूनिट क्या होती है बेटा? एम्पियर पर मीटर। उसका नाम क्या होता है बेटा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका नाम होता है बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही इस पे एच काम किया तो ए के अंदर कुछ मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ। सम मैग्नेटाइजेशन डेवलप। और ये जो मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर डेवलप हुआ बेटा, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। ठीक है, जैसे ही एच काम किया तो ए के ऊपर कुछ मैग्नेटिज्म डेवलप होना चालू हुआ। और वो जो मैग्नेटिज्म डेवलप होना चालू हुआ वो मैग्नेटिज्म जो ए के ऊपर डेवलप होना चालू हुआ उस मैग्नेटिज्म को बोलते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड इट इज डिनोटेड बाई आई। दोबारा से एक बार देखिएगा, हमने इसको जिस एनवायरमेंट में रखा वो एनवायरमेंट था मैग्नेटिक फील्ड और उसको डिनोट किया बी से। ठीक है, और बी का कुछ अमाउंट जो ए पर काम किया उसको मैंने बोला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो कुछ रिड्यूस हो गया होगा। कितना हो गया बेटा? एच इक्वल बी अपॉन म्यू नॉट। इट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। एच लगने की वजह से ए के अंदर कुछ इंटेंसिटी डेवलप हुई जिसका नाम दिया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड इट इज डिनोटेड बाई आई। किससे डिनोट किया बेटा इसको? आई से डिनोट किया। अब आई को हम अगर एक्सप्लेन करें तो बेटा आई को हम कैसे निकाल सकते हैं? बेटा किसी भी मैग्नेट को अगर हम किसी मटेरियल को ये देखना चाहते हैं कि वो मैग्नेट बना है या नहीं बना है, तो उसको जज करने का तरीका है डायपोल मोमेंट। तो एक पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर अगर बहुत सारे एटम हैं तो जितने ज्यादा एटम पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटिक डायपोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोबारा समझें, मान लीजिए एक सैंपल के अंदर 100 एटम है और 100 एटम में से 10 एटम मैग्नेटिक डायपोल में कन्वर्ट हुए, मतलब उसमें नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो गया, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया 10 एटम के अंदर। और जो बी सैंपल है उसमें भी 100 एटम है और उसमें 90 एटम डायपोल में कन्वर्ट हो गए, तो बी अच्छा मैग्नेट है कंपेरेटिवली ए। तो इंटेंसिटी को हम कैसे जज करेंगे? डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जितना ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डेवलप होगा ए उतना ही अच्छा मैग्नेट होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन गिवन बाय डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंटेंसिटी गिवन बाय डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और बेटा हम जानते हैं अगर बेटा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसका लंबाई है, तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा ये मैग्नेट है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लंबाई एल है, और डायपोल मोमेंट हम पढ़ा चुके हैं एम इंटू एल, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, और जो वॉल्यूम होता है बेटा वो होता है ए इंटू एल। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एम की जगह एम इंटू एल और ए इंटू एल, एल एल कैंसिल, तो इंटेंसिटी गिवन बाय एम अपॉन ए। तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर डेवलप हुआ
उसको बोला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड इट इज गिवन बाय डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन गिवन बाय डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया. अगर मैं इसका भी यूनिट निकालना चाहूं तो आई इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है बेटा एम्पियर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट होता है बेटा मीटर क्यूब. मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल एंड द यूनिट इज एम्पियर पर मीटर. कितना बचा बेटा एम्पियर पर मीटर. ठीक है एक बार फिर देखिए ए को मैग्नेट बनाना चाहता हूं. ए को जिस एनवायरमेंट में रखा उसको बोला मैग्नेटिक फील्ड. ए पर जो इंटेंसिटी काम किया उसका नाम बोला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय एच. एच इज गिवन बाय बी अपॉन म्यू नॉट. मीडियम होता देन एच इज गिवन बाय बी अपॉन म्यू एम एंड द यूनिट इज एम्पियर पर मीटर. इसी तरह से जब एच काम किया तो ए के अंदर कुछ मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ. जो मैग्नेटिज्म ए के अंदर डेवलप हुआ उसको बोला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिनोटेड बाय आई. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन गिवन बाय डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया एंड द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो एम्पियर पर मीटर. एम्पियर पर मीटर. तो आप ध्यान से देखें दोनों ही इंटेंसिटी है एच बी और आई बी. एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच और एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई और दोनों की यूनिट सेम है. एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट है और एम्पियर पर मीटर ही आई की भी यूनिट है. ठीक है अब आगे चलते हैं बेटा. ये तीन टर्म को पढ़ने के बाद एक और टर्म इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है वो आप ध्यान से समझिएगा और फिर उसके बाद पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की जो बची हुई प्रॉपर्टी है हम उसको स्टडी करते हैं. ठीक है ध्यान से समझिएगा बेटा. हम चाहते हैं कि जो इंटेंसिटी है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच. मतलब जितना मैग्नेटिक फोर्स हम लगाएं उतना इंटेंसिटी उसके अंदर मटेरियल के अंदर डेवलप होना चाहिए. तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जितना फोर्स हम लगाएं उतना इंटेंसिटी उसके ऊपर डेवलप होना चाहिए. या जो इंटेंसिटी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया उस पर डिपेंड करेगा. तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटने के बाद यहां पर एक कांस्टेंट आएगा इनटू एच. इस कांस्टेंट का नाम होता है बेटा ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आप इसको बोल सकते हैं. This is known as magnetic susceptibility. बेटा ये susceptibility दो वर्ड से मिलकर के बना है. That is accept plus ability and this is the property of a magnetic material by which it accept external magnetic field. ये वो property है जो show करती है कि एक दिया गया magnetic material कितने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेप्ट करेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी. और इसके बेसिस पर हम पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस दे सकते हैं. अगर मटेरियल कम फील्ड एक्सेप्ट करे लेकिन पॉजिटिव फील्ड एक्सेप्ट करे तो पैरामैग्नेटिक. मटेरियल लेस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट करे लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेप्ट करे डायमैग्नेटिक फील्ड. और बहुत ज्यादा और सेम डायरेक्शन में एक्सेप्ट करे तो फेरोमैग्नेटिक. जैसा हम स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं ससेप्टिबिलिटी इज गिवन बाय आई अपॉन एच. अभी दो मिनट पहले हम बता चुके हैं आपको इसकी यूनिट भी एम्पियर पर मीटर होती है. इसकी यूनिट भी एम्पियर पर मीटर होती है. तो ससेप्टिबिलिटी यूनिटलेस नंबर है. इसकी कोई यूनिट नहीं है. इट इज अ यूनिटलेस नंबर एंड इट इज अ प्रॉपर्टी which shows only the ability of a magnetic material to accept external magnetic field. That is called susceptibility. ठीक है अभी देखिएगा बेटा पैरामैग्नेटिक की जो susceptibility होती है वो small and positive होती है. जो diamagnetic की susceptibility होती है वो small and negative होती है. और जो ferromagnetic की susceptibility होती है वो large and positive होती है. ठीक है
जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए हम आपसे पूछे -0.906, बताइए किसकी ससेप्टिबिलिटी है, तो आप बोलेंगे नेगेटिव है, स्मॉल है, तो डायमैग्नेटिक है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू, लार्ज है। अगर हम आपसे बोले ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू 9000, ठीक है, तो ये लार्ज है और पॉजिटिव है, तो फेरोमैग्नेटिक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू देगा, अगर स्मॉल एंड नेगेटिव है तो डायमैग्नेटिक है, स्मॉल एंड पॉजिटिव है तो पैरामैग्नेटिक है, और अगर लार्ज एंड पॉजिटिव है तो फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये आपको पहचानना आना चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन में काम आएगा। दूसरी एक और बात, अभी बेटा अगर आई और एच में ग्राफ बनाए, तो अभी हमने आपको बताया इस एक्सिस पर अगर आई ले लें, इस एक्सिस पर अगर एच ले लें, तो पैरामैग्नेटिक में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और स्लोप से ससेप्टिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ अबव द एक्सिस बनता है। डायमैग्नेटिक में इस एक्सिस पर आई है, इस एक्सिस पर एच है, ससेप्टिबिलिटी में ग्राफ ऐसा बनेगा और स्लोप नेगेटिव होगा, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले बताया ससेप्टिबिलिटी जो है डायमैग्नेटिक की वो कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है, और स्लोप से ही ससेप्टिबिलिटी मिलती है। यहाँ ग्राफ नीचे क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी है। यहाँ ग्राफ ऊपर क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी है। फेरोमैग्नेटिक में ग्राफ ये आई है, ये एच है, ये मैक्सिमम आई है, तो पहले धीरे धीरे बढ़ता है एंड फाइनली अप्रोचेस टू मैक्सिमम वैल्यू। फेरोमैग्नेटिक में कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं बना होता, कुछ किताबों में फेरोमैग्नेटिक में ऐसा ग्राफ दिया होता है जो सही नहीं है। फेरोमैग्नेटिक का सही ग्राफ ये है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फेरोमैग्नेटिक अगर ऐसा ग्राफ बना है तो फेरोमैग्नेटिक है, अगर इस ऐसा ग्राफ बना है तो पैरामैग्नेटिक है। अगर आपसे हम 2 ग्राफ बनाए, आई और एच, 2 ग्राफ हम बनाए ए और बी, और हम आपसे पूछें, और एक बनाए सी, और हम आपसे पूछें बताइए मेटेरियल पहचानिएगा, तो ए भी पैरामैग्नेटिक है, बी भी पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है दोनों और एक्सिस से ऊपर है, तो पैरामैग्नेटिक है, और सी डायामैग्नेटिक है। बस डिफरेंस ये है, ए का ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है बी से, मतलब ए वाला मटेरियल ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट कर सकता है कंपैरेटिवली बी। इनमें कोई भी फेरोमैग्नेटिक नहीं है, जब तक ग्राफ इस शेप का नहीं बनेगा आप फेरोमैग्नेटिक नहीं बोलेंगे। अगर ऊपर एक और ग्राफ हम बना दें डी, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन बस डिफरेंस ये है डी का पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा है, डी का ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, ए का डी से कम ससेप्टिबिलिटी है, और बी का ए और डी से कम ससेप्टिबिलिटी है, लेकिन तीनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, इसमें कोई भी फेरोमैग्नेटिक नहीं है। फेरोमैग्नेटिक का ग्राफ ऐसा ही बनेगा, हमेशा आप ध्यान दें इस बात पर। इसके बाद बेटा ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, आई और एच के बारे में पूरी बात हो गई। इसके बाद एक बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसका नाम है बेटा क्यूरी लॉ। बेटा जो ससेप्टिबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। हमने जब पैरामैग्नेटिज्म का प्रोडक्शन आपको बताया था, तो हमने कहा था जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो जो पैरामैग्नेटिक एटम्स थे, जो डाइपोल्स थे, उनका मोशन दोबारा से रेंडम हो जाएगा और वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देंगे, तो उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर इसको हम प्रोपोर्शनल साइन हटा दें तो सी अपॉन टी, वेयर सी इज क्यूरी कांस्टेंट एंड दिस लॉ इज नोन एज क्यूरी लॉ। इस लॉ का नाम होता है बेटा क्यूरी लॉ। इसमें अगर मैं इस एक्सिस पर ससेप्टिबिलिटी ले लूं और इस एक्सिस पर टेम्परेचर ले लूं, ग्राफ बनाऊंगा, तो क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, और अगर इस एक्सिस पर मैं ससेप्टिबिलिटी ले लूं, इस एक्सिस पर मैं 1/ टेम्परेचर ले लूं, तो ग्राफ ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन आएगा। ये पैरामैग्नेटिज्म का बिहेवियर है, ससेप्टिबिलिटी का वेरिएशन है। डायमैग्नेटिज्म की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, तो अगर डायमैग्नेटिज्म की ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊंगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ससेप्टिबिलिटी नॉट वेरीज विद टेम्परेचर। क्यों वेरी नहीं करेगा? क्योंकि कभी भी आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि अगर आप टेम्परेचर राइज कर दें तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन चेंज नहीं होगा
तो डायमैग्नेटिज्म की ससेप्टेबिलिटी नॉट वेरीज विद टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर ससेप्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल 1/T-TC, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पर C/T-TC। आप देख रहे हैं इसमें एक स्पेशल टेम्परेचर है टीसी। बेटा टीसी वो टेम्परेचर है, इसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। एट दिस टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट्स टू पैरामैग्नेटिक। इस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक जो है वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा इस लॉ का नाम भी क्यूरी लॉ होता है, लेकिन इसको मॉडिफाई करके बोला क्यूरी विस लॉ। इसमें टीसी वो टेम्परेचर है जिस पर फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आयरन के लिए 1043 केल्विन है। अगर मैं इस टेम्परेचर के लिए फेरोमैग्नेटिक के लिए अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं ससेप्टिबिलिटी में, तो आप ध्यान से देखिएगा ये ससेप्टिबिलिटी है, ये 1/ टेम्परेचर है, देन द ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। ये यहां से शुरू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर जो टेम्परेचर है वो टीसी है। पहले यहां पर जो मेटीरियल था वो फेरोमैग्नेटिक था, और जैसे ही हम टेम्परेचर टीसी पर पहुंचे ये पैरा में कन्वर्ट हो गया, और फिर इसके बाद पैरा का बिहेवियर शो हो गया। तो क्योंकि पहले फेरो था तो पहले फेरो पैरा में कन्वर्ट होगा और फिर पैरा जैसा बिहेव करेगा। दिस इज द वेरिएशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विद टेम्परेचर, इसको बोलते हैं क्यूरी विस लॉ। और यहां पर क्योंकि ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो उसको बोलते हैं क्यूरी लॉ। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आपको अभी भी क्लियर नहीं है, तो आप फिर दोबारा से उसको पूछ सकते हैं। इसके बाद बेटा यहां पर एक टर्म आती है जिसका नाम है बेटा हिस्टरेसिस। द टर्म वी आर टेकिंग दैट इज कॉल्ड हिस्टरेसिस। ठीक है, ये हिस्टरेसिस क्या टर्म है आप इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको इसको ध्यान से एकदम क्लियर करना है ताकि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। हिस्टरेसिस क्या होता है आप ध्यान से देखिए बेटा, इसको IH और BH कर्व भी बोल सकते हैं। दिस कैन बी नोन एज IH और BH कर्व। देखिए बेटा इस एक्सिस पर I और B और इस एक्सिस पर H। अभी आज ही के लेक्चर में हमने आपको बताया H वो फोर्स है जो आप लगाते हो मैग्नेटिज्म करने के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए। किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाना है तो आप जो फोर्स लगाते हो वो H है। इसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट है एम्पियर पर मीटर, और इसका फॉर्मूला है H=B/μ0। और आई वो इंटेंसिटी है जो उस मटेरियल के अंदर डेवलप होती है, और इसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसका फॉर्मूला है डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, और इसका यूनिट भी है एम्पियर पर मीटर। अभी ओ पॉइंट पर एक मटेरियल है, हमने उस पर एच अप्लाई करना चालू किया, तो जैसे जैसे हमने एच अप्लाई करना चालू किया उसका मैग्नेटिज्म बढ़ा ए पॉइंट तक। अभी हम H यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं और बढ़ाएंगे, तो भी I का अमाउंट A से ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। जो A पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। ये सेचुरेशन पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन अचीव कर चुका है सैंपल। A से ज्यादा मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर डेवलप होने वाला नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन दैट कैन बी डेवलप्ड इन दिस सैंपल। ठीक है, इसको बोला हमने सेचुरेशन पॉइंट। अब H को बढ़ाने से कोई चेंज नहीं होगा, तो हमने H को डिक्रीज करना चालू किया एंड वी अप्रोचेस टू अ पॉइंट B। आप अगर B पॉइंट को ध्यान से देखिए तो B पॉइंट पर जो H है उसकी वैल्यू जीरो हो गई है,
लेकिन जो आई है वो जीरो नहीं है अभी भी। जो ओबी है, ये जो ओबी वाला पार्ट है, अभी आप ध्यान से देखें, इतनी इंटेंसिटी मटेरियल के अंदर बची है, ये क्या है बेटा, मैग्नेटाइजेशन इनसाइड मटेरियल। तो इतना मैग्नेटाइजेशन, ओबी मैग्नेटाइजेशन, ओबी